वहीं रविंद्र जायसवाल को भी फिर से योगी कैबिनेट में मौका मिला है। वाराणसी उत्तरी सीट से उन्होंने चुनाव जीता था। जनतंत्र टीवी से उन्होंने भी की खास बातचीत, जरा देखिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। राज्य मंत्री के रूप में रविंद्र जायसवाल ने शपथ लिया है। रविंद्र जायसवाल हमारे साथ हैं। रविंद्र जी, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है पार्टी की तरफ से, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, कैसे देखते हैं अपनी जिम्मेदारी? हम सब कार्यकर्ता हैं, पार्टी नेतृत्व तय करता है कि आपका रोल क्या होगा, कभी संगठन में, कभी चुनाव लड़ने का, कभी मंत्रिमंडल में। तो जो पार्टी नेतृत्व हमको देता है निर्देश, उसका पालन करते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर चर्चा में रहा है, लोकार्पण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, उत्साह देखने को मिला। कहीं ना कहीं लगता है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 2022 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एक तुरुप का पत्ता साबित। नहीं, काशी विश्वनाथ की कोई पॉलिटिकल नहीं है, वो आस्था का है, वो हमारे आस्था का विषय था। उसकी उपेक्षा हो रही थी, लोग वहाँ जाने से परहेज करते थे। एक भाजपा या माननीय मोदी छोड़ दिया जाएगी जी को, तो हर पार्टियाँ वहाँ जाने से गुरेज करती थी। कुछ लोग जाते थे केवल जालीदार टोपी पहनना और गमछा ओढ़ना, उन्होंने कई मंदिर गए नहीं। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी ने आस्था व्यक्त करते हैं, वहाँ जाते हैं, जा करके भगवान भोले से शक्ति लेकर के, दिशा लेकर के, और समाज का और राष्ट्र का विकास करते हैं। एक परंपरा रहती थी कि विपक्ष के नेता भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते थे, लेकिन इस बार वो तस्वीर देखने को नहीं मिली। यह जितने राजनीति के पराकाष्ठा को गिरा रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, एक हमारा राग द्वेष से और जिस ढंग से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोकतंत्र की लड़ाई लड़ना है और उत्साह रहे हैं, चाहे ईवीएम के नाम भड़का रहे हैं, वो एक तरह से हम अगर देखा जाए तो समाज और राष्ट्र के हित में नहीं है। कुल मिलाकर साफ है कि रविंद्र जायसवाल का कैसा है कि किसी भी तरीके से जो राष्ट्रवाद है उसको आगे लेकर चलना है, जो बनारस का विकास है उसे करना है, जो प्रदेश का विकास है उसको करना है, और जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको बखूबी निभाते हुए दिखाई देंगे। कैमरामैन सैलेश के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।